नमस्कार, आप देख रहे हैं डेस्टी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सान्या भारती। राजधानी पटना में अपराधियों ने 19 मार्च को लूट की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था। दरअसल ये घटना राजधानी पटना के एसकेपुरी थाना क्षेत्र के अल्पना मार्केट में घटी थी। घटना आईसीआईसी एटीएम के पास घटी थी, जहां वहां पे कैश वैन कैश जब एटीएम के पास पहुंची तो पहले से घात लगाए अपराधी जैसे ही वैन वहां पहुंच गए और बंदूक के बल पर गार्ड को धमकाया और उसके बाद गार्ड को गोली मार दी और वहां से 9 लाख की लूट कर मौके से फरार हो गए। अपराधी 9 लाख कैश लेकर वहां से बड़ी आसानी से फरार हो गए, जिसके बाद वहां पुलिस पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। और अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने 2 अपराधियों को बंदूक और 5 लाख कैश के साथ गिरफ्तार कर लिया है। और अब बता दें अपराधी जो है, 2 जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं वो सीतामढ़ी के बताए जा रहे हैं। बता दें पकड़े गए अपराधी सीतामढ़ी जिले के आदित्य रंजन उर्फ कन्हैया सिंह और विक्की कुमार बताए जा रहे हैं। आरोपी आदित्य रंजन के खिलाफ सीतामढ़ी में 1 दर्जन से अधिक हत्या, लूट, डकैती, अपहरण जैसे संगीन आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज है। इतना ही नहीं, सीतामढ़ी की एक महिला डॉक्टर डेजी के अपहरण मामले में भी शामिल बताए जा रहे हैं। बता दें इन सभी अपराधियों ने एसकेपुरी थाना क्षेत्र के राजापुल के पास कैश वैन को लूटने का प्रयास किया था। इसके बाद अपराधियों ने अल्पना मार्केट, जो कि राजधानी पटना का एक भीड़ भाड़ वाला इलाका माना जाता है, वहां पे ज्यादातर भीड़ देखने को मिलता है, उसके बाद भी अपराधी इस तरह की घटना को अंजाम देने का मन बनाकर वहां पहुंच गए और एटीएम से पैसा डालने के दौरान कैश वैन से 9 लाख रुपए लूट कर वहां से फरार हो गए। इतना ही नहीं, गार्ड को भी गोली मार दी, जिसके बाद से पुलिस लगातार इन अपराधियों की छानबीन में जुटी थी। वहीं इस मामले को लेकर पटना सिटी एसपी विनय तिवारी ने बताया है कि घटना का मास्टरमाइंड कन्हैया सिंह है, जो कि सीतामढ़ी का है, और गोली चलाने वाला शख्स भी कन्हैया ही है। वहीं बरामद पिस्टल को जांच के लिए पुलिस द्वारा एफएसएल भेजा गया है। वहीं सिटी एसपी विनय तिवारी ने यह भी बताया कि अपराधियों ने कैश वैन की अगम कुआं थाना क्षेत्र के भूतनाथ रोड से ही रेखी की थी। दरअसल यहां सिक्योरिटी एजेंसी का कार्यालय है और वहां से ही कैश वैन में पैसा पटना के विभिन्न एटीएम में डाला जाता था। वहीं घटना के दिन भी उस कैश वैन में 1,59,00,000 रुपए बता रहे हैं कि उस कैश वैन में उस समय मौजूद था और कई एटीएम में पैसा डालने के बाद अल्पना मार्केट पहुंचे थे, जिसके बाद अपराधी पहले से ही रेकी कर रहे थे और फिर घटना को अंजाम दे दिया, जिसके बाद अब पुलिस को इस पूरे मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और अभी जो अपराधी गायब है उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है और 4 लाख रुपए अभी भी अपराधियों के पास ही बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने 5 लाख रुपए 2 अपराधियों को पकड़ने के बाद और जिस बाइक से अपराधी इस घटना को अंजाम दे रहे थे उस बाइक को भी पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है अपराधियों के साथ साथ ही। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए डेस्टी न्यूज़।